देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आज तक अभी ऐसी कोई हरकत नहीं हुई थी जिस प्रकार की हरकत हुई और जिस प्रकार की अशांति की स्थिति का निर्माण हुआ है। अभी ये दुर्भाग्यजनक घटना घटी थी। नियंत्रण करने के और भी तरीके हो सकते थे। लाठीचार्ज नहीं होता तो अच्छा होता, और विशेष रूप से छात्रों को समझा बुझाकर नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसी जानकारी प्राप्त हुई है, पता लगा है कुछ ऐसे बाहर के तत्व भी आ गए थे। अब उनके बारे में राज्य सरकार ने कहा है कि हम जांच कराएंगे, जांच करा भी रहे हैं। अब वो क्या उसमें सच्ची आती है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जब इस तरह की अव्यवस्था की स्थिति निर्माण होती है तो नियंत्रण के जो विभिन्न प्रकार के तरीके हैं उन तरीकों को अपनाना चाहिए, प्रयास यही होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का ऐसा हिंसात्मक कार्य ना हो जिससे आग में घी डालने का अवसर ऐसे तत्वों को मिल जाए जो अराजकता पैदा करना चाहते हैं। मतलब आपका क्या कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति निर्माण जरूर हुई है जिसको नियंत्रित करने की कोशिश होनी चाहिए।